दोस्तों स्वागत है आपका X19 YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ओप्पो A5 2020 इस मोबाइल का अगर पिन है या पैटर्न है तो किस तरह से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आपको अनलॉक करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान के चलिए आपके पास 200 या 300 कस्टमर है और आप जो है मोबाइल कोई भी टूल जो है UMT मेडिकल EFT कोई भी डोंगल UFI डोंगल कोई भी डोंगल अगर आप एक्टिवेशन करना चाहते हैं खुद अपने से आप रिसेलर बनना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और आप रिसेलर बन सकते हैं। ठीक है, रिसेलर बनने के लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ मोबाइल दिखा दूँ, आप यहाँ पे मोबाइल देख सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल है ओप्पो A5 2020 CPH 1931। ठीक है, आप देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इस मोबाइल को हम यहाँ से बैक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपको इसे अनलॉक करना है। अगर पिन लॉग आ जाए या पैटर्न लॉग आ जाए मोबाइल में तो किस तरह से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं ये कि जैसे इस मोबाइल में पैटर्न लॉग है या पिन लॉग रहेगा, कुछ भी रहेगा। ठीक है, पिन या पैटर्न कुछ भी रहेगा तो आप उसे पहले मोबाइल को ऑफ कर लें। ठीक है, जब ये मोबाइल पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस मोबाइल को रिकवरी मोड में लेके जाना होगा अनलॉक करने के लिए। तो रिकवरी मोड में लेके जाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम अप है डाउन है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है आपका डाउन जो है वॉल्यूम माइनस बटन जो है और प्लस पावर की दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए कंटिन्यू सेम टाइम। ठीक है, जैसे ऑन होता है तो पावर की छोड़ दीजिए और वॉल्यूम माइनस जो है प्रेस करके ही रखें, आप दबा करके ही रखें इसको। ठीक है, और ये मोबाइल अभी रिकवरी मोड में जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल रिकवरी मोड में आ चुका है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे पिन लॉग मांगा जा रहा है। ठीक है, पिन लॉग या पैटर्न लॉग जो भी मतलब उसमें पिन लॉग मांगा जा रहा है। ठीक है, तो पिन तो आपको पता नहीं है कैसे डालेगा आप पिन, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ। आप सामने स्क्रीन पर देखिए ऊपर में यहाँ कुछ कोड शो कर रहा है। ठीक है, 9667 शो कर रहा है, तो ये कोड जितनी बार आप रिकवरी मोड में आएंगे उतनी बार ये कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी दिखेगा आप कि जैसे मैं इसे यहाँ पे अभी बैक करूँगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोड बदल चुका है। ठीक है, 9067 आ चुका है। चलिए फिर से हम आपको यहाँ पे बैक करके दिखाते हैं। ये मैंने बैक किया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड फिर से जो है चेंज हो चुका है, 0005 आ चुका है। फिर से बैक करेंगे, फिर से कोड यहाँ पे चेंज हो चुका है, 1767 आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, ये जो कोड स्क्रीन पर शो कर रहा है 1767 इसी को यहाँ पे डायल कर देना है, 1767। अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है फॉर्मेट का, इस पर क्लिक कर देना है आपको। आप देख रहे हैं कि मोबाइल यहाँ पे अभी फॉर्मेट हो रहा है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारा जो है क्रियाक्रम करना बाकी है, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि 7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, बीच में अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे तो फिर आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे सेट को। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक मारना है। अब ये मोबाइल ऑन होने में जितना भी टाइम लगे, ठीक है, तो ऑन होने के बाद फिर आपको प्रोसेस करना होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में ये ऑन होता है। चलिए अब ये मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसे सेटअप करना है, तो सेटअप करेंगे तभी इसमें फिर से ये पैटर्न लॉग मांगेगा और गूगल अकाउंट मांगेगा। ठीक है, अगर गूगल अकाउंट रहेगा यानी कि FRP लॉग रहेगा तो गूगल अकाउंट मांगेगा इसमें, अगर नहीं है जिस मोबाइल में नहीं है तो गूगल अकाउंट नहीं मांगेगा। ठीक, डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा, और इस मोबाइल में गूगल अकाउंट भी है इसलिए इसमें गूगल अकाउंट तो मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हमें इसका सेटअप करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या करना है। और आप सबको पता है कि ओप्पो में कोई भी अगर गूगल अकाउंट आ जाए तो बस सिंपली सी इमरजेंसी बटन में जाकर के आपको डायल बटन में जो है मतलब वहाँ पे कुछ कोड टाइप करना है और FRP लॉग जो है ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ आप देख सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है उसका वीडियो, लेकिन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, अगर FRP लॉग रहेगा आपका तो आप उस मेथड से वीडियो यूट्यूब पे देख करके अनलॉक कर सकते हैं FRP। ठीक है,
ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि FRP लोग अगर आएगा तो कस्टमर ने जो है उसको गूगल अकाउंट उस मालूम है और उसने मुझे लिख करके दिया है, अब मैं उसे बाईपास करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर से पैटर्न मांग रहा है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर डरना नहीं है, हमें यहाँ पर इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो अब ये गूगल अकाउंट मांगेगा, और गूगल अकाउंट अगर नहीं रहेगा तो कैंसिल करते ही मोबाइल ऑन होने लगेगा, ठीक है, मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे गूगल अकाउंट मांग रहा है, ठीक है, तो कस्टमर ने हमको जो है गूगल अकाउंट दिया है लिख करके, तो मैं यहाँ पे इसे डाल दूंगा और ये अनलॉक होगा अभी। और अगर आपके पास अगर गूगल अकाउंट नहीं है, कस्टमर को मालूम नहीं है, तो आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देख करके गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से आप जो है गूगल अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे गूगल अकाउंट डाल देते हैं। ये मैंने नेक्स्ट किया, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, चलिए पासवर्ड भी डाल देते हैं इस पे। यहां पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे स्किप कर देंगे हम, उसके बाद इसका सेटअप करते चले जाएंगे और ये मोबाइल जो कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। आपको मैं भी ये मोबाइल अनलॉक होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, इसका CPH क्या है, ये ओप्पो A5P है या कोई दूसरा मॉडल है, ठीक है। तो बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये वीडियो गलत दिखा रहा है कि फेक है, सही है क्या है, इसलिए मैं आपको भी पूरा वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। चलिए मोबाइल के अंदर में चलते हैं, मोबाइल के सेटिंग में चलते हैं हम और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो A5 2020 मॉडल है, ठीक है। CPH यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, ठीक है, 1931। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको रीसेलर बनना है मोबाइल का, ठीक है, सभी टूल एक्टिवेशन करने के लिए आपको रीसेलर बनना है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो कर रहा है, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।